और अभी श्रीकांत ने भी एक सिक्सर जड़ दिया है, हार गए उसका गम नहीं मना रहे अपने बल्लेबाजों की बल्लेबाजी का उत्साह करते हुए डगआउट में सभी खिलाड़ी। और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है अंजुमन स्पोर्ट ने, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन अंजुमन स्पोर्ट। ये देखिए शहबाज शेख दिल बहुत ही बड़ा है, बधाइयां देते हुए विक्टोरी 11 जो कि बहुत कम बल्लेबाजी को आते हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन स्टैंड बनाया गया है क्वेश्चन करने के लिए। आफाक ने बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी की आपसे पहले, तो क्या आपको कुछ दबाव महसूस हुआ कि अब आफाक ने सिक्सर जड़ा है मुझे भी जड़ना होगा? बहुत अच्छा महसूस होता है जब एक ऑलराउंडर अच्छा परफॉर्म देता है ऊपर आकर, तो मुझे भी यही महसूस हो रहा था कि मुझे भी ऐसा परफॉर्म देना है। और आपको एक जीवन दान भी मिला, क्या जब जीवन दान मिलता है आपकी आंखों की रोशनी और ज़्यादा बढ़ जाती है? जी, किसी को भी जीवन दान मिलेगा, कोई भी बैट्समैन हो इंटरनेशनल में लोकल क्रिकेट, तो वो यही चाहेगा कि मुझे एक जीवन दान मिला है तो मैं अब जो खेल रहा था उसे बेहतर करके दिखाऊँ। इस मैच को आप किसके नाम करना चाहेंगे और इस ट्रॉफी को? मैं इस मैच को पूरे अंजुमन टीम के नाम करना चाहूँगा, ख़ास तौर से हमारे शहबाज भाई जो बहुत मेहनत करते टीम के लिए, जुड़े रहते हैं साल के 12 महीना, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये थे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी काशिफ। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। संदीप पाटील आपण कुठेही असाल तर आपण कमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे। आर्यन 11B संघाचे कॅप्टन संदीप पाटील आपण यायचं आहे। तो थँक यू संदीप पाटील, आपण जागेवर बसून घ्यायचं आहे, कुठे असाल तिथे आपण बसून घ्या, कारण की तो जाऊया मॅच कडे जिथे टॉस जिंकले चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाने आणि सर्वप्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय। राजूभाय टिकटॉक मॅन आपको गुजारे सके आपको VIP पे आना है आपको। राजूभाय आज उनका जन्मदिन है। जी हाँ, बर्थडे बॉय इरफान शेख और राजू आपको VIP डाइस पर आना है। दर्शन नाइक आपको काफ़ी दिल से याद कर रहे हैं, हट जाइए सब बाजू, अब आने जा रहे हैं टिकटॉक के बहुत ही फेमस पर्सन राजू। वेलकम राजू भाई, अपना हार्दिक स्वागत है। ऋतिक येतो आहे गोलंदाजी साडे। सामन्याला सुरुवात होत आहे, मयूर याने टॉस जिंकून सर्वप्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा जो निर्णय घेतलाय। ऋतिक पहिल्या चेंडू फेस करत असताना प्रतिमेश आपण पाहतोय स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये चेंडूला खेळून काढल्या डीपमध्ये, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतो, एक सिंगल धाव कंप्लीट करताना प्रतिमेश, त्याला साथ देतोय अशोक, एक चांगली सुरुवात अर्जुन स्पोर्ट्स संघाचे पाहायला मिळत आहे। पंचांच्या भूमिकेमध्ये स्क्वेअर लेग पंच सागर तरे, एक अतिशय जबरदस्त क्रिकेटर आहे आणि मुख्य पंच आपण पाहतो मिलिंद म्हात्रे। राईट आर्म ओव्हर द विकेट, लेफ्ट आर्म आहे मात्र अतिशय सुंदर क्लास ऑफ ड्रॉप पाहायला मिळतोय, पॉईंट क्षेत्राच्या बाहेर हा चौकार पाहायला मिळतोय। खूप चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला बॅटमधून येतोय अशोक याच्या, अशोक 4 धावने खाद्य गोलतोय, धावसंख्या 5, या 20 ऑफ स्टंपच्या बाहेर निघून गेलाय चेंडू, पंचाकडून वाईट सेशर येतोय, एक्स्ट्राची मदत होत आहे, धावसंख्या झाली आहे 6 धावा धावपलकावर। में राकीब इस टूर्नामेंट को कमेंट्री कर रहे हैं, हर साल नए कमेंटर इस टूर्नामेंट में, इफ्तिकार को काफ़ी मिस किया जा रहा है इस टूर्नामेंट के माध्यम से। फिर से एक बार गैप में गेंद सड़कती हुई और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए, खराब फील्डिंग चैलेंज स्पोर्ट भिवंडी द्वारा।
फिर से एक बार बड़ी स्ट्रोक गेंद सरकी बाउंड्री लाइन की तरफ और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई चार रनों के लिए। क्या बढ़िया पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए अशोक। थैंक यू सो मच डीजे मैन। यूट्यूब के माध्यम से पतंजलि बॉय पतंजलि कंपनी से मेरे दोस्त मैच का आनंद लेते हुए सोमनाथ मात्रे आकाश मात्रे और केतन तरे सुनील नाइक आप सभी का हार्दिक स्वागत है और साथ ही साथ संतोष गुलवी और विशाल पाटिल आपका भी हार्दिक स्वागत है। आर्यन इलेवन चषक 2021 में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन हैट्रिक चौक की पूरी करते हुए बल्लेबाज अशोक। फिर से एक बार गैप में गेंद को ढकल दिया नहीं रोक पाए गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ मिस फील्ड और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई चार रनों के लिए। क्या बोल रहे सब लोग एमएमए बनता है मालूम है ना मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। लेट्स डू इट ए ए क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज अशोक। हालांकि पहले मैच में कामयाब नहीं हुए थे लेकिन इस मैच में मेन रोल अदा करते हुए अपनी टीम के लिए। इस ओर की अगली गेंद फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक बल्ले से गेंद हवा में और विकेट मिलता हुआ गेंदबाज रुतिक को कमांडीज है। डीजे दीपेश ने कहा है कि कड़क और एक कड़क कैच को पकड़ा यहाँ पे मयूर पाटिल ने। टीम के कैप्टन थे वहाँ पे तो पहली ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है और रन संख्या 18 रन एक विकेट के नुकसान पर अर्जुन स्पोर्ट। तो पहली ओवर की समाप्ति रन संख्या 18 रन अब गेंदबाजी में परिवर्तन टीम के कैप्टन खुद गेंदबाजी करने के लिए मयूर पाटिल जिनकी टीम फील्डिंग कर रही है चैलेंज स्पॉट भिवंडी। जब भी नाम आता है चैलेंज स्पॉट तो इस टूर्नामेंट के बारे में और इस ग्राउंड के बारे में काफ़ी जानकारी है मयूर पाटिल और उनके लेजेंड क्रिकेटरों को क्योंकि भिवंडी में दो ही ऐसे मैदान थे जहाँ पे बड़े बड़े मेगा इवेंट हुआ करते थे इस टूर्नामेंट के माध्यम से। बताते चलो कि मयूर पाटिल ने इस ग्राउंड में बढ़िया बल्लेबाजी और गेंदबाजी की हमेशा लेकिन अब गेंदबाजी की कमर कसी है। अब तक बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की है यहाँ से रन रोकने होंगे। पहली गेंद लेकर मयूर पाटिल आरके पाटिल स्टैंड इन से ऑफ स्टंप के बाहर निकल कर मारने की कोशिश की थी मिड विकेट क्षेत्र में गेंद को उठाए एक रन कंप्लीट करते हुए बल्लेबाज स्कोर आगे बढ़ता 19 रन एक विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज अक्षय। इन्होंने पहले मैच में बढ़िया बल्लेबाजी की थी अपने टीम के लिए लेकिन तारीफ में कहूंगा कि अशोक ने भी चार चौके पेश किए थे अपने इनिंग में। बढ़िया गेंद रफ्तार भरी गेंद थी सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के रूप में। लेदर बॉल में काफी नाम है मयूर पाटिल का लेकिन अब टेनिस क्रिकेट बॉल में भी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अब तक। ईश्वर की अगली गेंद फिर से एक बार सामने की ओर खेला गेंद को लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है एक रन कंप्लीट किया बल्लेबाज अक्षय ने। दूसरा रन लेना चाहते थे वहां पे मना किया प्रतिमेश ने। सिंगल की मदद स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 20 रन लॉस ऑफ वन विकेट। ओवर नंबर दो चलता हुआ मयूर पाटिल का बढ़िया गेंदबाजी अब तक की है मयूर पाटिल ने। फिर से एक बार लंबा स्ट्रोक बल्ले से निकलता हुआ गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर हम पर का इशारा था छह रनों का।
अब ये सिक्सर प्रथमेश के बल्ले से आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन काफी हवा बह रही और उसी का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज प्रथमेश पहले 3 गेंदों में 2 रन खर्च किए थे लेकिन चौथे गेंद पर 6 रन मयूर फिर से एक बार अंधाधुन बल्ला घुमाया था वहां पे लेकिन रनर का खतरा चुराया रन को 22 का इशारा था वह तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 27 आखिरी गेंद इस ओवर की बढ़िया गेंदबाजी की है हालांकि एक सिक्सर जड़ा है मयूर पाटिल को लेकिन क्या गेंदबाजी की अब तक मयूर पाटिल ने पहले ओवर में 18 रन खर्च किए थे ऋतिक ने सामने की ओर खेला है गेंद को लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में गेंद जाती हुई एक रन कंप्लीट करते हुए बल्लेबाज अक्षय तो दौर की समाप्ति हो चुकी है स्कोर 28 रन तो आइए अगले 3 ओवर के लिए सुनते हैं फिर से एक बार नई आवाज इस टूर्नामेंट के माध्यम से पहले साल सिद्दीक भाबे दूसरे साल इफ्तिकार अंसारी अब राकिब अंसारी जी हाँ आज मुझे पहली बार मौका मिला इस स्पर्धा में कमेंट्री करने का और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दर्शन नाइक और सभी आर्यन 11 भादवाड़ के कमेटी मेंबर का और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा जो भी कहना खुद से ही है और क्या बोलता मैं रस कॉपी करता हूँ मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ इन सब लोगों से एमिनेम रस सब आतिश को देखता हूँ तुझे लल्ले बाबू को देख के नहीं सीखता हूँ मैं और बोलता रफ्तार को पहले सुनता था अबे लाइन समझ मेरी जान 2014 में तेको डिस कर दिया था क्योंकि तू बहुत नकली बन रहा था अगली गेंद मयूर पाटिल इस बार लॉब किया है मौका और ये देखिए बैक टू बैक 2 झटका लगता हुआ इस वक्त अर्जुन स्पोर्ट को प्रथमेश भी आउट होकर पवेलियन लौटते हुए व्हाट इज अप क्या बोल रहे सब लोग एमएवे बंटा है मालूम है ना मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे लेट्स डू इट ए ए कैप्टन इन फ्रंट आकर अपनी टीम की जिम्मेदारी संभालते हुए बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी इस वक्त हैट्रिक पर है देखने क्या विकटों के हैट्रिक करने वाले पहले गेंदबाज बनेंगे ओह यस पहले गेंदबाज बने आर्यन चषक 2021 के हैट्रिक मुकम्मल करने वाले मयूर पाटिल थैंक यू डीजे विकटों की हैट्रिक मुकम्मल करने वाले इस स्पर्धा में पहले गेंदबाज बने हैं मयूर पाटिल जी हां सिक्सर की हैट्रिक 2 मर्तबा मुकम्मल हुई है एक रजाक थे और दूसरे हमारे ऑफिशियल हमें बता रहे हैं यस ये देखिए बड्डे बॉय हमसे जुड़ते हुए इस वक्त इरफान शेख उर्फ राजू उनका डायलॉग बहुत ही फेमस है क्या बोलती है टिकटॉक की पब्लिक अब वो चेंज होकर हो गया है भिवंडी की पब्लिक क्योंकि टिकटॉक बैंड हो चुका है और इरफान शेख का कहना है कि टिकटॉक बैंड हुआ है हमारा टैलेंट नहीं बहुत ही खूबसूरत सनग्लासेस के साथ और दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने सिक्सर की हैट्रिक मुकम्मल की थी वो थे जयेश मयूर अगली गेंद लेकर इस बार छोटी गेंद उसे हुक कर दिया है देखना है गेंद मैदान के बाहर यस 6 रन शॉट में था दम मिलेगा पूरा फुल मैक्सिमम क्लासेस के साथ सबसे पहले आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की
आप इसी तरह से मुस्कुराते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। अगर आप टॉस जीतते इरफान शेख तो क्या करते? बैटिंग करता। मतलब मनचाही मुराद मिल चुकी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए कहाँ तक जा रहे हैं? 50+। अब तक आपकी टीम उस तरह का परफॉर्मेंस पेश नहीं कर पाई है, तो क्या उम्मीदें हैं आपके खिलाड़ियों से? 100% देंगे। आपसे तो मैं ये कहूँगा, आप बहुत ही अच्छा बोलते हैं। कुछ दो शब्द कहें दर्शन नायक और उनके साथी खिलाड़ियों के लिए, जिन्होंने पेंडेमिक में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और बहुत ही सफल तरीके से अब तक आगे बढ़ता हुआ। दर्शन नायक और उसकी टीम बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करी है। मैं उनको दिल से थैंक्स करूँगा कि उन्होंने बहुत दिलो जान से मेहनत करी, ये टूर्नामेंट को कामयाब बनाया। आज आपका बर्थडे भी है, आपके बहुत सारे फैंस भी, आप बहुत ही पॉपुलर है सोशल मीडिया पे। आपका जो एक स्पेशल डायलॉग है वो हो जाए आज आपके जन्मदिन के मौके पर। क्या बोलती है भिवंडी की पब्लिक? भाई लोग चलो, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, हार्दिक एंटरप्राइजेस विन द टॉस, इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट, बैक टू द कॉमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सो मच। 54 रनों का टारगेट रखा है 5 ओवर में। सामने टीम चैलेंज स्पोर्ट, क्या चैलेंज स्पोर्ट चैलेंज पेश करेंगे अर्जुन स्पोर्ट टीम के सामने? दोनों ओपनर्स मैदान के बीच में आते हुए, आज दोस्तों टिकटॉक किंग राजू भाई का जन्मदिन है और जन्मदिन के तौर पर उन्होंने के उनका फेमस डायलॉग सबके सामने पेश किया था। तो अब सामने पेश करने 54 रन, क्या कहना चाहेंगे मेरे साथी कमेंटर, जिस तरह का टारगेट रखा है सामने अर्जुन स्पोर्ट टीम ने? देखिए मैं समझ सकता हूँ ये एक फाइटिंग टोटल है, कोई पार स्कोर तक नहीं गई अर्जुन स्पोर्ट, क्योंकि हवाएं बहुत बह रही है इस वक्त हम देखें तो, उसका लाभ उठाना चाहेंगे चैलेंज स्पोर्ट। पहले ओवर में अशोक ने बहुत लाजवाब बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद पलटवार किया गेंदबाजी में मयूर पाटिल और उनके दूसरे गेंदबाजों ने। यस अगदी बरोबर, कारण की समोर जरी 54 धावांचं लक्ष आहे, मात्र या मैदानावर या धावा भरपूर वेळा बनताना आपण बघितलेल्या आहेत आणि हा सामना खूप रंगतदार देखील पाहायला मिळेल। आणि पुढचा मॅचचा टॉस देखील झाला इथे, मनोज भोगीर याने तो टॉस जिंकला होता। हार्दिक एंटरप्राइजेस पिंपलगड संघ वन द टॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट। फिर से एक बार दूसरे इनिंग की शुरुआत होती हुई, दोनों ओपनर्स मैदान के बीच में, अजय और उनके साथ में जय, अजय और जय, और गेंदबाजी में पहले ओवर के लिए दीप, जिन्होंने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच इनाम हासिल किया था। तो मैच की शुरुआत होती हुई, चला वेल घेऊ नका, अजूनही दोन सामने खेळायचे बाकी आहेत। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं जनाब अरशद, शाहिद और टीपू जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आपको VIP डाइस पर आना है प्लीज़ वेलकम। खूब चांगला चेंडू पाला मिलते हैं, खूब वेग देखी होता चेंडू मधे, डॉट चेंडू की समाप्ति होता है। आज मित्रांनो आर्यन चषक 2021 या स्पर्धेचा पहिला दिवस है, खूपच ठटामटाने उद्घाटन सोहळा पार केला होता, इथे जोरदार अपील झाली होती, मात्र बॅटचा हलकासा एनर्जीज लागला होता, एकदम कंप्लीट केली जात आहे। खाता ओपन होते, चॅलेंज स्पोर्ट संघाचं खाता खोलताना फलंदाज अजय, खूप चांगली फलंदाजी करावी लागेल सामना जर जिंकायचा असेल तर, असंच प्रकारचा टार्गेट आर्यन 11B भादवड संघाच्या अगेन्स्ट होता, मात्र घरच्या मैदानावर थोडंसं निराश केलं होतं। तर आता मात्र चॅलेंज स्पोर्ट संघ कोणत्या प्रकारे फलंदाजी करेल याच्याकडे देखील आपण लक्ष देणार आहोत। दीप सामने गॅलरी एनकडून चांगली गोलंदाजीचा मारा सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये, यावेळेस बोल्ड केलाय, इथं विकेट प्राप्त केलाय दीप या गोलंदाजाने, खूप चांगली गोलंदाजी। थैंक यू। लेदर क्रिकेट में काफी मशहूर है बल्लेबाज अजय, लेकिन टेनिस क्रिकेट बॉल में पहली गेंद इस टूर्नामेंट की खेली उन्होंने और बोल्ड होते हुए निराश कदमों से लौटते हुए डगआउट में। जी हां संदेश पाटिल जी, मैं तारीफ करना चाहूंगा दीप की, पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, अपना टिप्पा नहीं ढूंढ पा रहे थे, लेकिन इस मैच में देखिए लाजवाब गेंदबाजी, सफल किया था अजय ने, जगह बनाकर खेलना चाहते थे लेकिन तेज तर्रार यॉर्कर और क्लीन बोल्ड। जिथे पहिला सामना जिंकला होता ना रकीब, तिथे ती गोलंदाजी त्याची सुधारली होती आणि त्या गोलंदाजीचं प्रत्युत्तर देत असताना येथे अर्जुन स्पोर्ट्स संघाच्याकडून खेळत असताना दीप
चॅलेंज बट संघाला चॅलेंजिंग क्रिकेट दाखवताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय यश गेलाय, प्रयत्नाला यश मिळेल का? रटम ओद विकेट, स्विच इट आल्या खेळण्याचा प्रयत्न पायचीच्या स्वरूपात, अजून एक विकेट, बॅक टू बॅक दुसरा झटका चॅलेंज स्पॉट भिवंडी संघाला. खूप निराश चॅलेंज स्पोर्ट संघ, खूप निराश झालाय. आता मात्र कर्णधार स्वतः मयूर पाटील मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. बघितलं पहिल्या दोन चेंडूवर दोन ब्रेक थ्रो मिळून दिले दीप याने आणि हॅट्रिक ऑन झाली आहे. हॅट्रिक ऑन द बाऊया, हॅट्रिक कम्प्लीट करेल का गोलंदाज दीप? पंचांच्या भूमिकेमध्ये मुख्य पंच मिलिंद म्हात्रे, स्क्वेअर लेग पंच सागर तरे, एक चांगले क्रिकेटर आहेत मयूरिश इंटरप्रायजेस संघाचे. अनेक वर्ष आर्यन इलेव्हन भादवड संघासाठी गावगटातून नेहमी खेळताना आपण बघितलं होतं या खेळाडूंना. आता सध्या तरी मैदानाच्या आतमध्ये पंचांच्या भूमिकेमध्ये दीप, हॅट्रिक ऑन झाली आणि मयूर पाटील मैदानाच्या आतमध्ये. हॅट्रिक चेंडू होता, कार्पेटचे सैनी चेंडू खेळून काढलंय ऑन साईड क्षेत्रामध्ये, मिड विकेट क्षेत्रावर चेंडू उचलला जात आहे, एकदा कम्प्लीट केली जात आहे. खूप चांगली गोलंदाजी दीप, लेंथ लाईनमध्ये गोलंदाजी करते. धावांचा विचार केला तर फक्त दोन धावा झाली आहे आणि दोन विकेट्स देखील प्राप्त केले दीप याने. क्लास गोलंदाजीचा पाहायला मिळतो आहे, युवा टॅलेंट गोलंदाज आहे, कमी वयामध्ये चांगली प्रगती. राईट आर्म ओर्थ विकेट, या वीस आपण बघतो इनफील्डच्या वरतून खेळण्याचा प्रयत्न, रनआउटची संधी आहे. डायरेक्ट हिट झालं असतं तर निश्चितच पंचांदेखील विचार करावा लागला असता. षटक कम्प्लीटचा इशारा येतोय, तर पहिल्या षटकाची समाप्ती झाली आहे. धाव पलकावर धावा झालेल्या आहेत. आमच्या ऑफिशियल स्कोर सांगितलेत की दोन धावा झाल्यात आणि दोन गडी बाद झालेल्या आहेत. उत्कृष्ट कामगिरी, जर गोलंदाजी आवडली असेल तर जोरदार टाळ्या होऊन जाते दीपसाठी. एक नवीन युवा गोलंदाज आहे, दमखम ठेवताना आपल्यामध्ये अतिशय चांगली गोलंदाजी. येणाऱ्या फलंदाजीमध्ये चांगले स्ट्रॉंग फलंदाज आहेत, मात्र सध्या तरी वर्चस्व अर्जुन स्पोर्ट्स संघाचं मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. लक्ष 54 धावांचं आहे, धावसंख्या फक्त दोन धावा धावपलकावर. सोमनाथ म्हात्रे देखील सज्ज झालेले आहेत पुढच्या मॅचसाठी. कार्बन कमाल कॅच बाली ट्रॉफीमध्ये पकडली होती त्यांच्या माध्यमातून आणि ती कॅच देखील खूप चर्चेमध्ये आली होती यूट्यूबच्या माध्यमातून आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून देखील. प्रत्येक फक्त दोन धावा, ओनली फॉर टू रन्स टू विकेट्स. जी हां संदेश पाटील, और आपको बताता चलूं कि पिछले साल अमन ट्रॉफी में उन्हें बेस्ट फील्डर का अवार्ड भी दिया गया था. सोमनाथ अच्छे फील्डर हैं. ये काम मानने वाले सोमनाथ रांजोली के हैं, हमारे कबीर दोस्त हैं. तर जाऊया पुन्हा एकदा मॅचकडे जिथे गोलंदाज सज्ज झालाय. नीरज 99 जर्सी, नीरज गेंदबाजी केली आते मी पहिल्या चेंडू षटकातील. ऑफस्टंपच्या बाहेर निघून मारण्याचा प्रयत्न, थोडंसं जोरदार अपील झाली होती मात्र थोडंसं अलीकडचा बाहेर निघून मारण्याचा प्रयत्न केला होता मयूर याने. डॉट चेंडूची समाप्ती होते. षटक क्रमांक दुसरा सुरे, मैदानाच्या आतमध्ये. धावांचा विचार केला फक्त दोन धावा धाव पलकावर. सात चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. नीरज गोलंदाजी करतोय. फुलर लाईनचा चेंडू तर हवं तसं समाचार घेता आला नाहीये, मात्र पायचीच्या स्वरूपात विकेट मिळेल. विकेट क्रमांक 3, चॅलेंज स्पॉट भिवंडी संघाला लागणारा तिसरा झटका. थँक्यू थँक्यू डीजे. विजय नवीन फलंदाज येतोय मैदानाच्या आतमध्ये. रेड कॅप खत्रे की घंटी आप बसती हुई चॅलेंज स्पोर्ट टीम के लिए. ज्या प्रकारे गोलंदाजी होत आहे, दीप याने आपल्या षटकामध्ये दोन विकेट घेतले, नीरज देखील त्याच प्रकारची गोलंदाजी करत आहे. दोन चेंडूचा खेळ समाप्त झाला, एक डॉट एक विकेट, खूप चांगली गोलंदाजी. आज पहिला दिवस आहे, उद्घाटनीय सामना देखील आपण बघितला होता, खूप रंगतदार झाला होता. त्यानंतर आता मात्र शेवट देखील गोड होताना आपला पाहायला मिळतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. नीरज आलेल्या बिगिट करण्याचा प्रयत्न चेंडू हवेमध्ये, विकेट प्राप्त करताना नीरज दुसरा झटका या षटकामध्ये. चार गडी तंबूमध्ये निराश. ना जाने, ना रोके रंग, ना जाने, मिला जो संगीत
थैंक यू डीजे। बीसी फॉर फॉर्मेटला लाजवेल असा क्रिकेट इथे पाहायला मिळतो आहे सिटी इमर्जिनेच्या माध्यमातून। क्या लगता है आपको, जिस तरह फॉर्मेट काफ़ी है भिवंडी में 40+ और सिटी इमर्जिन और जूनियर क्रिकेट भी है, बीसी फोर भी है, लेकिन ये क्रिकेट काफ़ी ऊंचा जाता हुआ? जी हाँ, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिल रहा है। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी जो शुरुआत की थी दीप ने, उसी को आगे बढ़ाते हुए नीरज। तर विजेता संघाने कुठेही जायचं नाहीये चालू असलेल्या सामन्यामधीला, कारण की तुमचा सामना देखील शेवटचा होईल। मात्र हॅट्रिक ऑन झाली आहे, हॅट्रिक ऑन झाली होती दीपसाठी, मात्र साध्य करता आली नाहीये। मात्र नीरज करेल का हॅट्रिक? राईट अमोर द विकेट, हॅट्रिक चेंडू सिजिट केल्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील केली जाते, मात्र पंचाकडे वाईटचा इशारा आहे। एक्स्ट्राची मदत झाली आहे, धावसंख्या झाली आहे धावपळकर 3 धावा, खूप उशीरनंतर 2-3 आली आहे। उद्याचा लॉट देखील माझ्यापर्यंत आलेला आहे, या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण उद्याचा लॉट देखील आपण पोचवणार आहोत तुमच्यापर्यंत। आता यावेळेस आपण पाहतोय हलक्या त्याने कट केली, फक्त पॉईंटवर शतरक्षक आहे, फक्त एकच धाव मिळेल। खूप चांगली इथे गोलंदाजी पाहायला मिळते अर्जुन स्पोर्ट्स संघाची, सर्वप्रथम चांगली फलंदाजी केली, चांगलं क्षेत्ररक्षण, त्यानंतर चांगली गोलंदाजी, तिन्ही फॉरेनमध्ये खूप चांगला क्रिकेट खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय अर्जुन स्पोर्ट। शेवटचा चेंडू, अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे, आमचे स्कोरर सांगतात। यस मिलिंद म्हात्रे, दक्ष पंच आपण पाहताय, 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे। एक मोठा फटका येणं खूप गरजेचं झालाय, थोडासा दबाव देखील आले चॅलेंज स्पोर्ट संघावर। यावेळीस टॉप पेच हवेमध्ये चेंडू आहे, विकेट किपर कोणत्या प्रकारची चुकी करत नाहीये। दुसऱ्या अटेम्प्टमध्ये चेंडूला झेज केला जातो आणि फलंदाज फेल होत आहे, विकेट नंबर 5 इथे प्राप्त करताना अर्जुन स्पोर्ट। थँक्यू डीजे। वेल आहे तर उद्याचा लॉट मित्रांनो, उद्या ठीक सकाळी 8:30 आम्हाला रिपोर्ट करायची आहे। अनिल प्रतिष्ठान खारडी आणि पॉइंट स्पोर्ट भिवंडी, व्हॉट अ मॅच, बिग मॅच सकाळी ठीक 8:30 दोन्ही संघांनी रिपोर्ट करायचे। त्यानंतर चैतन्य एंटरप्रायजेस आणि रेमान्या स्पोर्ट या दोन्ही संघांनी देखील रिपोर्ट करायचे। त्यानंतर हर्ष इंटर जोहान स्पोर्ट आणि पूर्वांचल, त्यानंतर डीएस स्पोर्ट आणि अर्जुन ए संघ देखील उद्या खेळणार आहे। डीएस स्पोर्ट आणि आदर्श स्पोर्ट दोन्ही संघाने वेळेवर रिपोर्ट करायचे उद्याच्या दिवसामध्ये। पुन्हा एकदा लॉट या षटकानंतर आपण पुन्हा एकदा तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत। मात्र नीरज इथे चांगला कमबॅक करतोय गोलंदाजीमध्ये, खूप चांगली गोलंदाजी, घातक गोलंदाजी, शेवटचा चेंडू आणि खेळण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आला। या विसा आलेल्या बिग हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता ऑन साईडला मिड विकेट क्षेत्रामध्ये, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय। षटक कंप्लीट झालाय, 2 षटकाची समाप्ती, धावसंख्या फक्त आणि फक्त धाव पलकार आपण पाहताय 5 धावा। मित्रांनो वेल आहे, ज्याने ज्याने या स्पर्धेला यशस्वी करण्यामध्ये सहकार्य केलेलं आहे त्यांची देखील आम्ही नावं घेणार आहोत। मात्र ज्याच्या अगोदर आपण लॉट आपण वाचणार आहोत उद्याचं, उद्या ठीक 8:30 दोन्ही संघांनी रिपोर्ट करायचे, अनिल प्रतिष्ठान आणि पॉनियर स्पोर्ट, त्यानंतर चैतन्य एंटरप्रायजेस आणि रेमया 11, त्यानंतर मित्रांनो खूप मोठा सामना पाहायला मिळेल जोहन स्पोर्ट आणि पूर्वांचल, त्यानंतर डीएस स्पोर्ट आणि आदर्श स्पोर्ट, या संघाने सर्व रिपोर्ट करायचे उद्याच्या दिवसामध्ये। आणि मित्रांनो या स्पर्धेसाठी यशस्वी करण्यासाठी सर्वांचे लाडके दानशूर राजा माननीय श्री मधुबाबू कृष्ण नाईक यांच्या माध्यमातून कॅश प्राईज देण्यात आलेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो या स्पर्धेचे सुंदर असे ट्रॉफीज आपण पाहताय, प्रथम आणि द्वितीय चषक जे आहेत माननीय श्री प्रदीप पाटील आर्यन सिटीचे अध्यक्ष आहेत, त्यानंतर पाण्याची उत्तम सोय स्वप्नील भुईर यांच्या माध्यमातून लाभली आहे, बेस्ट बॅट्समन आणि बेस्ट बॉलर गजेंद्र गुलवी साहेब, त्यानंतर मॅन ऑफ द मॅच राजेश पुंडलिक नाईक यांच्या माध्यमातून, मॅन ऑफ द सिरीज जयू ज्ञानेश्वर नाईक यांच्या माध्यमातून, आणि सन्मान चिन्ह माननीय श्री निलेश जोशी आणि आमचे सर्वांचे लाडके योगेश जाधव, तृतीय आणि चतुर्थीय पारितोषिकचे आपण ट्रॉफी पाहतोय त्याच्यामधून देण्यात आलेली आहे। आणि मित्रांनो कॅश प्राईज 20,000 रुपये शंकरदादा जुकर यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला लाभल्या, या सर्वांचा आम्ही आभार व्यक्त करतोय। आणि तिसऱ्या षटकाला सुरुवात करतोय गोलंदाजीमध्ये, गोलंदाज पूर्ण तयारीमध्ये,
राहुल येत आहे सामना गॅलरी एन कडून. जयेश याला तर मात्र कुठेतरी थांबावं लागेल खेळपट्टीवर. 18 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. लक्ष जो आहे 54 धावांचा आहे आणि धावसंख्या फक्त आणि फक्त 5 धावा धावपलकावर. 18 चेंडूने 49 धावांची गरज आहे अजूनही जिंकण्यासाठी. सामना समाप्त झाले नाहीये. जयेश आहे, ताकद आहे या फलंदाजामध्ये. शॉर्ट पिच चेंडू आहे, प्लेसमेंट चांगला आहे, मात्र दिशा थोडीशी चुकीची निवडताना पाहायला मिळते. कव्हरवर शतरक्षक तैनात आहे, फक्त एक धाव मिळाली इथे. सिंगलची मदत, धावसंख्या 6 धावा धावपलकावर. परेश आता मात्र स्ट्राईक घेतोय. खूप अपेक्षा असतील चॅलेंज स्पोर्ट संघाला. जयेश आणि परेश दोन खेळाडू या वीस अतिशय सुंदर दर्शनी असा फटका पाहायला मिळतोय. आणि चिन्ह देखील सीमेच्या बाहेर क्लासिकल चौकार पाहायला मिळतोय फलंदाजाच्या माध्यमातून. थँक्यू थँक्यू. इट इज ए क्लास क्लास संगीत ऐकायला खूप मजा येतो आणि क्लास फटकेबाजी पाहायला खूप मजा येत आहे. तो क्लास इथे पाहायला मिळतो फलंदाजाच्या माध्यमातून. जयेश याच्या बॅटमधून हा चौकार येतोय. धावसंख्या 10 झाली आहे धावपलकावर. थोडंसं निराश आहे चॅलेंज स्पोर्ट संघ, कारण की 5 विकेट पडलेले आहेत आतापर्यंत. आऊट होणारे फलंदाज जय अजय यश मयूर आणि विजय या 5 खेळाडू डगाऊटमध्ये बसले आहेत निराशमध्ये. पविया चेंडूची माग करतायत. चेंडूच्या आकाराने हा खेळ थांबलाय, मात्र ज्याने ज्याने या स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी तन मन लावलेला आहे. मित्रांनो, सर्वांची नावं आम्ही घेऊ, कारण की आर्यन 11 भातवड संघाचे भरपूर असे खेळाडू आहे. सर्वांनी या स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी दिवस नाही रात्र नाही, मात्र उन्हाताणामध्ये या मैदानाला सुरक्षित करण्याचं आपण पाहतोय काम केलंय. मित्रांनो, या स्पर्धेसाठी आमचे सर्वांचे लाडके अतिशय क्लासिकल डॅन्सर आहेत. जय सर जय नाईक यांच्या माध्यमातून चेंडूंची पूर्तता झाली या स्पर्धेसाठी. तर मित्रांनो, मॅचकडे जाऊया. थोडंसं सामना थांबलं होतं, वेल आहे. जेव्हा जेव्हा मला वेल मिळेल त्या वेळेमध्ये तुम्हाला मी सांगू इच्छितो या स्पर्धेमध्ये कोणत्या आमच्या मान्यवरांनी मेहनत घेतली आहे आणि कोणी आम्हाला इथे सहकार्य केलं. सर्वांची नावं आम्ही घेणार आहोत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. रात्रीचे 2-3 वाजता घरी सर्व आमचे खेळाडू जात असायचे, कारण की ग्राउंडमध्ये पाण्याची व्यवस्था पूर्णपणे सुरू असायचं. स्वच्छ ग्राउंड पाहायला मिळतं आहे. एक डॉट चेंडू इथे पाहायला मिळतोय. थोडंसं दबाव चॅलेंज स्पोर्ट संघावर आलं इथे. धावा फक्त 10 धावा धावपलकावर. साहिल शिल्के या आमच्या सोबत आहेत, स्कोरिंगचं काम करतायत. सोडून दिलं आहे थोडंसं ऑफस्टम्पच्या बाहेर. पंच मिलिन मात्र यांच्याकडे वाईटचा शेअर येतोय. चंद्रकांत जोशी, संदीप पाटील, तुषार जोशी, दर्शन नाईक, दीपेश नाईक, दर्पण, भरपूर असे खेळाडू आहेत ज्याने या स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी खूप मोठा हातबोट लावला आहे इथे. मात्र चेंडू सीमेच्या बाहेर. क्या बात आहे, स्टँड अँड डिलिव्हर. चेंडू सीमेच्या बाहेर, षटकार, वॉट अ शॉट. थँक्यू डीजे. 2 चेंडूचा खेळ राहिला. धाव संख्या झाली आहे ती धावपलकावर 17 धावा. 17 किस टीम के ऊपर खतरा आहे आने वाले 2 गेंदों में. जुनं चेंडू द्यायचं मैदानाच्या आतमध्ये. खूप चांगला सामना पाहायला मिळते. चॅलेंज आहे आणि चॅलेंजिंग क्रिकेट देखील पाहायला मिळते. अजूनही खेळपट्टीवर आपण पाहतोय. जयेश आणि परेश खेळतायत खेळपट्टीवर. मित्रांनो, कोरोनाचा प्रभाव अजूनही वाढता आहे आणि सर्व नियम जे आहे ते पालनच करून या स्पर्धेला आपण ऑर्गनाईज केलं आहे. प्रत्येक खेळाडूचं आपण पाहताय मास्क कंपल्सरी आहे आणि सॅनिटायझर. आमचे स्वयंसेवक आपण चारही बाजूला जायचं आहे. आर्यन 11 भातवड संघाचे जे स्वयंसेवक सदस्य आहेत आपण चारही बाजूला जायचं आहे असं ऑर्गनाईज कमिटी दर्शन नाईक यांच्याकडून सूचना येत आहे. एका बाजूवर बसूचं नाही आपण, तर आपण चारही बाजून जायचं आहे.
राइट आर्म ओवर द विकेट अजुन एक अतिशय सुंदर प्रेक्षणीय असा फटका पाल मध्ये चेंडू सीमेच्या बाहेर बैक टू बैक दुसरा षटकार थैंक यू 23 धावा जिथे संघर्ष सुरू होता चॅलेंज स्पोर्ट संघाच धावा बनवण्यासाठी मात्र इथे पूर्ण दबाव काढून टाकलाय बाजूला जयेशने अजून एका बंप आता जाईल का चेंडू सीमेच्या बाहेर मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आणि एक बिग विकेट प्राप्त करताना गोलंदाज राहुल थँक्यू डीजे 12 चेंडू आणि अजूनही विजयासाठी 29 धावांची गरज आहे कोणत्या प्रकारे या 29 धावा बनवतील चॅलेंज स्पोर्ट्स संघ अजूनही 6 खेळाडू बाद झालेले आहेत 12 चेंडूचा खेळ राहिला 29 धावांचा खेळ देखील बाकी आहे मात्र आपण आवाज पुढच्या 2 षटकासाठी ऐकणार आहोत पहिल्यांदा या श्री छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावर आपण आवाज ऐकणार आहोत तो म्हणजे जर रकीबेनचा बहुत बहुत शुक्रिया संदेश पाटिल जी बहुत ही बेहतरीन कमेंट्री आप तक पहुंचा रहे थे संदेश पाटिल अब चौथे ओवर के लिए फिर से बुलाया है दीप को बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी पहला ओवर जब लेकर आया तो उन्होंने केवल 2 रन खर्च किए थे और 2 सफलता हासिल की उसके बाद नीरज आए उन्होंने भी कमाल की गेंदबाजी की केवल 3 रन खर्च किए और 3 सफलता हासिल की उसके बाद राहुल थोड़े से महंगे साबित हुए थे 18 रन खर्च किए और इस वक्त कुल स्कोर है 23 रन 23 रन्स दीप की अगली गेंद इस बार शॉर्ट पिच गेंद रखी थी संपर्क नहीं हुआ इतना अच्छा बल्ले से ये देखिए वहां पर फंबल हुआ अशोक से और दूसरा रन मुकम्मल नाखुश है वहां पर दीप अपने टीम के कैप्टन से आज तो मानो दीप का दिन है यस यही मौका है क्योंकि ऑन साइड की तरफ बहुत तेजी से हवाएं बह रही है अगर हवा के संग संग घटा के संग संग गेंद को पहुंचाया तो फिर आर्यन के संग संग बने रहेगी चैलेंज स्पोर्ट वरना फिर अपने घर की तरफ लौटना होगा लास्ट पिछले साल जो आर्यन चषक खेला गया था उसकी चैंपियन टीम है चैलेंज स्पोर्ट लेकिन अब तक चैंपियन जैसा परफॉर्मेंस नहीं किया है लेकिन चैंपियंस को कभी भी मौका मिलेगा तो पलटवार बहुत ही बेहतरीन करते हैं इस बार उठाकर खेला है वहां पर खिलाड़ी मौजूद है ओहो मौका कैच छूट गया ये देखिए गेंदबाज दीप का दिल टूट गया और बल्लेबाज आंखों ही आंखों में एक रन लूट गया इस एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन जी हाँ मैं संदेश पाटिल इंफॉर्मेशन दे रही है कि पिछले साल रोहित शर्मा के कोच आए थे इस ग्राउंड पर इस बार लॉफ किया है लॉन्ग ऑन की दिशा में अक्षय मौजूद है इनसे गलती नहीं होने वाली बहुत ही अच्छे फील्डर है आउटफील्ड के एक और झटका लगता हुआ चैलेंज स्पोर्ट को थैंक यू डीजे इस वक्त 7वां झटका लगता हुआ चैलेंज स्पोर्ट को हेलो तर या स्पर्धेस मी परत एकदा मी नाव इच्छुक घेऊ शकतो ज्यांनी या स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी आम्हाला सहकार्याची सुरुवात केलेली आहे सर्वप्रथम मी आभार व्यक्त करीन सन्माननीय आमचे लोकनेते मदन बाळकृष्ण नाईक यांनी आम्हाला या स्पर्धेची प्रथम पारितोषिक देण्यात आलेलं आहे रोख रक्कमच्या स्वरूपात तसेच आमचे संघाचे संघमालक शंकरदादा जुकर यांच्याकडून 20,000 रुपयाची कॅश बॉल अगली गेंद दीप की बहुत तेज तर्रार सवाल यस एक और झटका लगता हुआ इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट को तसेच आमचे दादा आमचे संघाचे मालक व आमचे मार्गदर्शक शंकरदादा जुकर यांच्याकडून आम्हाला रोख रक्कम 20,000 रुपयाची देणगी स्वरूपात प्राप्त झालेली आहे
या स्पर्धेसाठी प्रथम आणि द्वितीय अशा अतिशय उत्कृष्ट आणि अतिशय मोठ्या प्रकारच्या स्वरूपातल्या ट्रॉफ्या ज्या चषक बघतात आपण मंचावरती ते आम्हाला देण्यात आले सन्माननीय प्रदीप दादा पाटील आर्यन सिटी याचकडून. स्पर्धेमध्ये तिसरा आणि चौथ्या क्रमांकाच्या अतिशय आकर्षक बक्षीस देण्यात आले ते सन्माननीय योगेश गुळवी. स्पर्धेमध्ये सन्मान चिन्हासाठी आम्हाला निलेश जोशी यांनी सहकार्य केलेले आहे. अगले गेंदेप की हैट्रिक पर आए लेकिन फिर से हैट्रिक मुकम्मल नहीं कर पाए. एक ही मैच में दो बार हैट्रिक पर आए थे दीप लेकिन मौके को भुना नहीं पाए. इस एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन. स्पर्धेमध्ये मालिकावीर म्हणजे मॅन ऑफ द सिरीजची अति आकर्षक ट्रॉफी जी आम्हाला स्पॉन्सर केलेली दरवर्षीप्रमाणे जयू ज्ञानेश्वर नाईक यासकडून करण्यात आलेली आहे. स्पर्धेमध्ये बेस्ट बॉलर आणि बेस्ट बॅट्समन हे गजेंद्र गोळी यांच्याचकडून आम्हाला हे स्पॉन्सर करण्यात आलेली आहे. इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला था और एक रन पूरा किया. इस एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन. तसेच या स्पर्धेमध्ये अतिशय सुरेख आणि सुंदर अशा मॅन ऑफ द सिरीजच्या ट्रॉफ्या ज्या आपण बघतोय ज्या प्रत्येक खेळाडूला देतात खेळ चांगला केल्यानंतर त्या आम्हाला ह्या देखील मागील वर्षाप्रमाणे और इसी के साथ चार ओवर की समाप्ति कुल रन बने हैं 28. ज्या मॅन ऑफ द मॅचच्या ट्रॉफ्या आम्हाला देण्यात आल्या त्या सन्माननीय राजेश नाईक याचकडून स्पॉन्सर करण्यात आले आहेत. स्पर्धेमध्ये जी आम्हाला बॉल म्हणजे चेंडूंची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे ती सन्माननीय आमचे जयसर नाईक याचकडून करण्यात आलेली आहे. स्पर्धेमध्ये आम्हाला पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था हे सन्माननीय स्वप्नील भोई याचकडून करण्यात आलेली आहे. मी यांचं देखील हार्दिक आभार व्यक्त करतो आहे. ज्या ज्या व्यक्तींनी आम्हाला ही स्पर्धा पार पाडण्यासाठी जे सहकार्य केले आहे त्यांचं मी परत एकदा मी मनापासून आर्यन निलन भादवड या संघाकडून व तसेच आमचे शंकर दादा जुकर याचकडून हार्दिक आभार व्यक्त करतो आहे. आखरी ओव्हर लेकर आते हुए गेंदबाज अशोक टीम के कैप्टन है. आखिरी ओवर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए 6 गेंदों में जीत के लिए यहां से जो रन चाहिए 26. उल्टा स्ट्रोक खेलना चाहते थे. गेंद जा रही है मैदान के बाहर 4 रनों के लिए. थैंक यू डीजे. इस मैच की विजेता टीम आपको रुकना है क्योंकि इसके बाद जो मुकाबला होगा अमान स्पोर्ट और हार्दिक एंटरप्राइजेस उसके बाद आपको मुकाबला खेलना है. इस मैच की विजेता टीम आपको कहीं पर नहीं जाना है. या सामन्यातून जो संघ विजय होईल त्याला कुठे जायचं नाही. त्याला आजच्या दिवसाचा शेवटचा सामना खेळण्यासाठी थांबायचं आहे. अगली गेंद और क्लीन बोल्ड हो गए वहां पर बल्लेबाज. तो एक और झटका लगता हुआ 9वां झटका लगता हुआ इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट को. सबको बल्लेबाजी मिलेगी. ये देखिए अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं विजय. बहुत समय बाद टीम में जगह मिली और आखिरकार बल्लेबाजी का मौका मिल गया. देखना क्या मौके पे चौका लगाएंगे. मिला है बड़ा मंच. क्या जड़ेंगे पंच बनेंगे अपने टीम के सरपंच. चार गेंद जीत के लिए 22 रन. इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश लेकिन ताकत नहीं झोंक पाए थे वहां पर विजय. एक रन से ही सहमत. सबको बल्लेबाजी मिली है. संदेश पाटिल ये पहली टीम है जो अंतिम बल्लेबाज तक गई है. देखने क्या ऑल आउट होगी. अगर ऑल आउट होगी तो पहली टीम बनेगी इस स्पर्धा में अब तक. दिस इज नॉट गुड परफॉर्मेंस आई थिंक बिकॉज अ चैलेंज इज अ लास्ट ईयर चैंपियन टीम बट स्टिल वेरी स्ट्रगल. इस बार बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर वाइड घोषित किया. जी हाँ इसीलिए तो कहते हैं ना दर्शन नाइक जो बीत गई वो बात पुरानी थी जो है वही भविष्य. इस बार दिशा दिखाई थी गेंद को. गेंद गई फाइन लेग की तरफ. एक रन दौड़ के मुकम्मल किया. इस एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन. बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश. बीट हुए विजय. डॉट बॉल.
अब महज औपचारिकता बची है इस मुकाबले में, और ना पिक्चर पूरी तरह साफ हो चुकी है कि अर्जुन स्पोर्ट इस मुकाबले को ले उड़ेगी। इस बार अपनी दिशा से चूक गए, वहां पर स्टंप्स को उड़ाना चाहते थे व्हाइट घोषित अंपायर ने। एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन। विजय आखिरी बल्लेबाज चैलेंज स्पोर्ट के, चैंपियन टीम थी पिछले सीजन, 3 कप को अपने नाम किया था चैलेंज स्पोर्ट ने, लेकिन इस साल अब तक उस तरीके का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। इस बार लॉफ किया है, वहां पर अक्षय मौजूद है और इसी के साथ ऑल आउट हो गई है चैलेंज स्पोर्ट। आर्यन चषक 2021 की पहली टीम बनी जिन्हों पूरे बल्लेबाजों को बल्लेबाजी का मौका मिला। विजय बहुत ज्यादा वहां पर खुश है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अर्जुन स्पोर्ट एंड हार्ड लक चैलेंज स्पोर्ट एंड मयूर पाटिल। संदेश पाटिल ऐसा देखने को कम मिलता है कि जिस टीम के गेंदबाज ने हैट्रिक विकेट लिया उसकी टीम मैच हार जाए। इसीलिए तो कहते हैं ना क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, प्रेडिक्शन या सभी की फेल है। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिन्होंने बैक टू बैक दूसरा मैन ऑफ द मैच हासिल करने जा रहे हैं, वो हैं अर्जुन स्पोर्ट के दीप। 2 ओवर में 4 विकेट और केवल 9 रन खर्च किए,